पानी में चल गया गाइस। वो बहुत शौक से मंगवाए थे, जा रहे अब खाना बनाने, शौक से ही खाने लेके बैठे थे। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। सारे पर्व ख़त्म हो गए, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, इसमें सबसे महान छठ पूजा था वो भी ख़त्म हो गया। छठ पूजा भी अब कोई पर्व नहीं बचे। आज मैं साड़ी पहनी हूँ, ना कल गए थे पूजा में दूसरा अर्घ में, तो मैं साड़ी पहन के गई थी, तो मैं साड़ी खोली नहीं थी, वैसे ही पहन के ही सो गई थी। क्योंकि मेरे मतलब 3-4 दिन से आवाजाही लगा हुआ था ना उनके यहाँ, तो कपड़े उपड़े धुले नहीं थे, सारे नाइटी सूट सब गंदे थे, क्या बताऊँ आप लोग से। मतलब एक तो छठ में सरफ नहीं छूते हैं, तो इस वजह से, और इसी वजह से और कोई वजह से नहीं, तो हम ऐसे ही साड़ी पहने ही सो गए थे। तो मैं अभी सुबह सुबह इसी लुक में हूँ। तो चलिए आप लोग बताइएगा मेरा साड़ी और मैं कैसी लग रही हूँ। और हम हैं फ्रेंड किचन में, और किचन में क्या बन रहा है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए, दाल कढ़ाही में अभी कुछ नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि कढ़ाही का सामान यहाँ है कद्दू, जो कि घर का टूटा हुआ है। दाल, चावल, कद्दू का सब्जी, आलू का चोखा और रोटी, यही आज के खाने में है। तो आज के खाने में फ्रेंड यही है, हमें ना गर्मा गर्म दाल, चावल, आलू के चोखा, कद्दू की सब्जी बहुत अच्छा लगता है। करेला का भुंजियो भून देंगे और क्या, नहीं भूंज देंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सब्जी में छौंका वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई धी मतलब गर्म हो गया है, इसमें छौंका वोका लगा के आप लोग से फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम सब्जी छौंकती हैं, ढका हुआ है, नहीं दिखा आप लोग को, ढक दिए हैं। मेथी और लाल मिर्च का फोरन दिए, और उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गुल जीरा पाउडर और नमक, अच्छे से चला के उसको ढक दिए हैं। ये अब तैयार हो जाएगा सब्जी, ढक दिए हैं ताकि ये पानी छोड़ दे जल्दी से। इधर मेरा छिलका रखा हुआ है जो कि फेंकना है। यार चावल चुना रहा है, देखिए मेरी बेटी चावल चुन रही है। और पता है कल ना हम रात में कपड़ा धोए थे, कल रात में हम कपड़ा धोए थे फ्रेंड, जो कि अभी हम सूखने के लिए भी नहीं डाले हैं। देखिए सारा मशीन में ही पड़ा हुआ है, दिखा आप लोग को? पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा, सारा मशीन में ही अभी पड़ा हुआ है। धूप निकल रहा है धीरे धीरे, धूप निकल जाएगा ना, धूप निकल जाएगा तो इसको सूखने के लिए डाल देंगे, कुछ छत पर डालेंगे और कुछ बालकनी में डालेंगे ताकि अच्छे से, ओए क्या कर रहे हो, ताकि सब अच्छे से सूख जाए। और यहाँ मेरा बेटा देखिए दिया रखा है, मेरी बेटी दिया सजाई थी, दिया रख रही है ताकि अगले साल लेना ना पड़े, मतलब छत पे या बालकनी में जलाने के लिए लेना ना पड़े, ऐसे तो पूजा के लिए लेना ही पड़ेगा। फ्रेंड दिया इतना महंगा है, इतना महंगा कि हम क्या बताएं, बहुत महंगा दिया है, तो इसीलिए पर साल, पिछले साल तो सब दिया बर्बाद हो गया था। हाँ, सबको चावल प्लेट बना बता दो, छोटे प्लेट में थोड़ा सा चावल डाल, देखो थोड़ा सा चावल डालेंगे, देख लेंगे जिसको खाना रहेगा आज खाएगा कल, तुम्हारे चक्कर में। हाँ इतना इतना चुनोगे तो, और हम चुने इतना नहीं, हम इसमें तो
तो देखो इतना आराम से चावल। पर इन साल दिया बर्बाद नहीं करेंगे फ्रेंड, छत पे जलाने के लिए, बालकनी में जलाने के लिए इसी वाला दिया रख देंगे। और बच्चे लोग को स्कूल में भी काम होता है। नहीं जला हुआ वो सब बत्ती उत्ती हटा के रखो। जो नहीं जलाई थी वो भी ले आता। कहाँ नहीं जलाई है? क्या बोल रहे हो? कोई कोई नहीं ना जला बोले मैं किया नहीं। वो सब को ऐसे ही छोड़ दो, नींबू वाला वैसे ही काम आएगा पूजा पाठ में। ऐसे तो हम अभी पूजा वैसा कर नहीं रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि करेंगे। लेकिन क्या है फ्रेंड, अब तो मौसम ठंडा का आ गया। ठंडा में मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। पहले भी ख़राब होता था तबीयत, मतलब ज़्यादा ही ख़राब होता था, लेकिन बीच में ना ठीक हो गया था। और फिर अब हमको वैसा ही कमजोरी फील हो रहा है और तबीयत भी वैसा ही, हमको ऐसा लग रहा था कि अब ठीक हो गया, अब नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड फिर से हो गया। क्या बताएं, तो अब तो हमको ठंडा में ना बहुत ज़्यादा ही बच के रहना पड़ेगा। देखते हैं इस ठंडा कैसे कटता है, जैसा होगा वैसा आप लोग को बताया ही जाएगा, क्योंकि आप लोग भी तो मेरे परिवार है ना। ये फेंक देना, ऐसा कुछ कुछ बात होता है जो आप लोग से हम शेयर करते हैं, तो जैसा होगा आप लोग को बताया ही जाएगा। बताया क्या जाएगा, आप लोग देख ही लेंगे वीडियो में। मैं जब वीडियो में आऊँगी तो आप लोग देख ही लेंगे कि मेरा क्या हालत है क्या नहीं है। तुम्हारा इतना चावल जितना चुनोगे उतना ही खाओगी तुम। हाँ जितना चुनोगे उतना ही खाओगी भाई, लो तो पूरा टोटल इतना ही चावल चुनी होगी, इससे ज्यादा नहीं। देखो टेबल पे भी कप नहीं हटा है चाय का, वैसे ही रखा हुआ है। ये मैं तरीका ज्यादा सुन चावल लेके देख रहा हूं। चुनो चुनते हैं। हाँ तो चुन कम से कम अपना खाने भर तो चुन लो। अपने खाने भर ही हम बना है, इतना खा लोगी और हम चुन रहे हैं, तुमको क्या लगता है? तो भी तुम्हारा काम खत्म हटाओ, ये सब मैं तो खा लो हटो। दीदी को इतना दे दो तो फ्रेंड मिलते हैं थोड़ी देर। सच्ची सब कसड़ है जी गाइस, देखिए नींबू मंगवाए थे हमको खाने का बहुत मन था, लेकिन लग रहा है कि सारा का सारा नींबू सड़ा निकल गया। क्या करूं, दुकानदार को वैसे ही वापस भेज दूं क्या? अब तो फट ही गया तो क्या देखिए, मैं नींबू मंगवाई थी, बहुत शौक से मंगवाई थी, हमको खाने का बहुत मन था। इसमें इतना कीड़ा है कि हम क्या बताएं, इसमें सब घुसा हुआ है कीड़ा। तो आप लोग जब भी नींबू मंगवाइएगा तो उसको अच्छे से देख के खाइएगा, इस सब में कीड़ा घुसा हुआ है, जिधर से निकाल रहे हैं कीड़ा निकल जा रहा है। देखिए ये सब चल रहा है, मेरा पैसा पानी में चल गया गाइस। ओ बहुत शौक से मंगवाए थे, जा रहे अब खाना बनाने, शौक से ही खाने लेके बैठे थे। गाइस हम आ गए हैं छत पे, और छत पे किस लिए आ गए हैं, इसलिए आ गए कि एक तो कि मैं अभी नहाई हूँ तो थोड़ा धूप भी खा लूंगी, शरीर गर्म हो जाएंगे तो सर्दी खांसी कुछ कम हो जाएंगे। वो क्या है ना, ठंड जब ज़्यादा गिरता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आदमी पहन के रहता है स्वेटर शॉल सब, मतलब पहन ओढ़ के अच्छे से रहता है तो उतना ठंड असर नहीं करता है। और ये जो गर्म ठंडा मौसम होता है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसीलिए हम छत पे आ गए। और फिर दूसरा काम मैं आप लोग को बताई थी कि कपड़े मशीन में ही हैं, छत पे नहीं डले हैं, धूप निकलेगा तो छत पे डालूंगी। तो फ्रेंड वही मैं ये कपड़ा छत पे डाली थी, पूरा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं।
कपड़े मतलब डले हैं, तो इन कपड़ों को मैं ले जाऊंगी, चुन चुन के ले जाऊंगी। जो सूख गए होंगे उनको ले जाऊंगी, और जो गीले होंगे उनको अभी छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी धूप है। भगवान किधर है? इधर है, इधर ही भगवान है। पता नहीं दिखे कि नहीं दिखे, धूप में हमको भी नहीं दिख रहा है। तो इसी को ले जाऊंगी और फोल्ड करूंगी फ्रेंड। और अब ना मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। देखिए इधर भी डले हुए हैं कपड़े, ढेर सारे हो गए थे। कितने दिन से, मतलब लगता है 5-6 दिन से कपड़े हम नहीं धोए थे फ्रेंड, तो वही आज धोए थे। तो अब वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग के लिए कुछ अच्छा लेके। अरे फ्रेंड अच्छा क्या लाएंगे, जो मेरे जीवन में होता है, जो मैं हूँ वही मैं दिखाती हूँ। देखिए प्लेन जा रहा है, फ्रेंड वही दिखाती हूँ। कोई झिक झक नहीं, कोई मतलब लाफा शूटिंग नहीं, ये है वो है कुछ नहीं, जो मैं हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो मेरे ख्याल से शायद मुझे पसंद करने वाले कम ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा तो पता नहीं कौन किसको पसंद कर ले, कोई पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। प्लीज अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे इतने लोग पसंद करते हैं। तो बस बाय बाय एंड राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।